Morning students, I hope all of you are very well and with your parents, and I will also hope you are watching our online classes daily. I knew well that you have to at present you have to stay at your home with your parents for COVID-19 due to lockdown, and you have already knew that for this reason, as per your kind request, I have been taking online classes from the first day of lockdown on behalf of our Josh Telegraph Training Center, Srirampur Smart Center. So students, tum log jo CPA अप्रैल में 2020 का जो बैच अभी कुछ महीने पहले ही न्यूली दिस CPA आई मीन टू से सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट ये जो कोर्स है न्यूली एडमिशन लिए हो, तो इसीलिए तुम लोगों का स्पेशल रिक्वेस्ट में हम लोग हमारा जॉस टेलीग्राफ ट्रेनिंग सेंटर श्रीरामपुर स्मार्ट सेंटर के तरफ से लॉकडाउन का शुरू से ही हम लोग ये ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो पिछले जो क्लास में हम दिखाए थे ये फाइनल अकाउंट क्या है, ये कॉमर्स और बिजनेस का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो फाइनल अकाउंट क्या है, तो फाइनल अकाउंट पिछले क्लास में हम फाइनल अकाउंट क्या है उसका डेफिनेशन भी दिए थे, टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स एंड टू फाइंड आउट द प्रेजेंट फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ दैट बिजनेस। सो एंड देयर आर फाइव टाइप ऑफ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, वो भी समझे। तो उसमें जो रेवेन्यू अकाउंट्स हम लिखे थे उसमें ये एट फर्स्ट वी हैव टू न्यू दैट व्हाट डू मीन बाय रेवेन्यू अकाउंट्स। तो रेवेन्यू अकाउंट क्या है, फाइनल अकाउंट के ही अंडर में है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ऑफ बिजनेस इज डिटरमाइंड बाय द प्रोफाइट बाय द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स बाय द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स at the end of the accounting years business concern may be two time। so ये क्या है ना, अगर तुम्हारा कई कंपनी हमारा कई कंपनी में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डिटरमाइन करना है तो फाइंड आउट करना है और कैलकुलेशन करना है, तब जाके हमको फाइनल अकाउंट बनाना पड़ता है। तो उसको कहते हैं रेवेन्यू अकाउंट्स, उस सिस्टम को रेवेन्यू अकाउंट्स कहते हैं एट द एंड ऑफ द फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयर्स। एनी फिनेंशियल अकाउंटिंग ईयर्स में ये फाइनल ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स किसी कंपनी का डिटरमाइन होता है। तो उस किसी कंपनी में टू टाइप ऑफ देयर मे बी टू टाइप ऑफ फाइनल अकाउंट्स, नंबर वन ट्रेडर एंड नंबर टू मैन्युफैक्चरर। तो ट्रेडर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू न्यू दैट व्हाट डू मीन बाय ट्रेडर। तो ट्रेडर ए ट्रेडर्स मीन दोज पर्सन हु डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। इसका क्या मतलब है, जे वो ट्रेडर वही है जो कोई स्टॉक और गुड्स नहीं बनाते, दे ओनली परचेस, दे सिर्फ खरीदना चाहते एंड गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। तो मैन्युफैक्चरर और होलसेलर से वो लोग माल खरीदने के बाद एंड सेल ऑफ गुड्स टू द सेल्स ऑफ गुड्स टू देयर रिटेलर और डायरेक्टली टू द कस्टमर, दीज आर अच्छा एंड देयर आर फोर स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट्स ऑफ द ट्रेडर्स। तो किसी कंपनी में ट्रेडर्स क्या है, वो माल नहीं बनाते हैं, वो माल को होलसेलर और मैन्युफैक्चरर से खरीदना चाहते हैं एंड नेक्स्ट दिस गुड्स और सेल्स प्रोडक्ट को वो किस
वो हमारा हम लोग जो रिटेलर है और डायरेक्टली जो कस्टमर है उसको बेचना है। तो इस टाइप ऑफ बिजनेस मैन आर कॉल्ड ट्रेडर्स। तो देयर आर फोर स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट। तो किसी ट्रेडर्स कंपनी में फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए स्टेज कितना है ना, फोर्थ स्टेज ऑफ फाइनल अकाउंट। तो बाद में हम दिखाएंगे इफ किसी ट्रेडर का जो फाइनल अकाउंट का फोर्थ स्टेज है वो क्या है, हम बाद में दिखाएंगे।